एसीनेक MR8 MG 100 MG 325 MG टैबलेट जो कि बनाई जाती है मेडली फार्मास्यूटिका के द्वारा बनाई जाती है। थियोकोल्सिकोसाइड 8 MG रहता है, एसिक्लोफिनेक 100 MG रहता है और पैरासीटामोल 325 MG रहता है और इसका MRP 351 रुपये रहता है और ये 10 कैप्सूल का पूरा स्ट्रिप रहता है। ये कैप्सूल जो कि ट्रीटमेंट करता है मस्कुलर पेन में इसको यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं इसका यूजर्स, बेनिफिट्स, साइड इफेक्ट, कैसे यूज होता है, ड्रग कैसे काम करेगा, सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का है, डोज में सुझा तो कैसे लेने का और इसका सब्सिट्यूट कौन कौन सा अवेलेबल है, तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा ताकि आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो ये वीडियो केवल एंड केवल मेडिकल स्टूडेंट और हेल्थ केयर स्टूडेंट के एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो कोई भी मेडिसिन या कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। एसीनेक MR8 MG 100 MG 325 MG टैबलेट जो कि बनाई जाती है मेडली फार्मास्यूटिका के द्वारा बनाई जाती है। थियोकोल्सिकोसाइड 8 MG रहता है, एसिक्लोफिनेक 100 MG रहता है और पैरासीटामोल 325 MG रहता है। 351 रुपये का ये पूरा स्ट्रिप रहता है जो कि ट्रीटमेंट करता है मस्कुलर पेन का, ये ट्रीटमेंट करता है। अगर आप इसको ज़्यादा ले रहे हो, डॉक्टर की सलाह से नहीं ले रहे हो, कंटिन्यूसली ले रहे हो, तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, हृदय में जलन, पेट में जलन और डायरिया, भूख का कम लगना और ड्राइनेस वगैरह होना, ये सब कॉमन साइड इफेक्ट है जो कि आपको हो सकता है। तो जब भी इसको ले तो डॉक्टर की सलाह से ले, डॉक्टर जितना डोज और ड्यूरेशन बोले उतना ले और इसका फिक्स टाइम और फिक्स डोज रखे ताकि बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो ये काम कैसे करती है, तो इसके मैकेनिज्म की बात करूँ तो इसके अंदर जो मसल रिलैक्सेंट टैबलेट है और दो पेन किलर है जो कि एसिक्लोफिनेक और पैरासीटामोल है, जो कि क्या करता है कि ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक एक मैसेज भेजता है जिससे स्टिफनेस वगैरह कम हो जाता है और मसल का मूवमेंट बढ़ जाता है और ब्लॉक कर देता है उस सर्टन केमिकल मैसेंजर को जिससे ब्रेन से पेन, इंफ्लामेशन और रेडनेस और स्वेलिंग कम हो जाती है। तो ऐसे काम करती है टैबलेट। तो इस टैबलेट के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पे पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।